घोड़ा सहन में बन रहा था ये जो पुल जो ध्वस्त हुआ है, करीब 1.5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा। अमवा से चांदपुर के रास्ते में ये पुल बन रहा था, करीब 40 फीट में ये पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब ध्वस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं पुल निर्माण के ध्वस्त की, बिहार के मोतिहारी में ये ध्वस्त हुआ है पुल। बड़ी खबर आपको बता रहा है, अमवा से चांदपुर के रास्ते में ये बन रहा था पुल, करोड़ों की लागत से ये पुल बनाया जा रहा था और करीब 40 फीट में बन रहा था ये पुल, और लेकिन अब ध्वस्त की तस्वीरें सीधे मोतिहारी से बिहार। तो करीब 1.5 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था, निर्माणाधीन पुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ध्वस्त हो गया है। फिलहाल ये क्यों ध्वस्त हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कार्रवाई का विषय है। लेकिन 40 फुट गहरे में ये जो पुल था ये निर्माण किया जा रहा था, और मोतिहारी में ये पुल जो करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा था वो ध्वस्त हो गया है। और बड़ी खबर आपको नीट से जुड़े मामले को लेकर बताते चले, जहां पर एनटीए के अधिकारियों से लगातार पूछताछ हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछताछ संभव है, यूजीसी नेट नीट मामले में जांच की जा रही है, और लगातार एनटीए के डीजी हैं उनको कल हटा दिया गया था, और अब ये बताया जा रहा है कि एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी यही वो एजेंसी है जो यूजीसी नेट की बात करें, जो 18 जून को परीक्षा थी जो स्थगित कर दी गई, या फिर होने के बाद स्थगित कर दी गई क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ियां पा गई थी। और नीट की परीक्षा तो आपको पता ही है कि कितने बड़े स्तर पर उसमें धांधलेबाजी का जो पूरा खेल है वो निकल कर सामने आया है, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एनटीए ही इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराता है, और इसीलिए अब एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ की खबर सामने निकल कर आ रही है, और कल ही एनटीए के डीजी को हटाया गया था। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से। तो नीट मामले में चार बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम बताएंगे, और सबसे पहले हम आपको यह दिखा देते हैं कि आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मौजूदा विवाद की वजह से यह फैसला रद्द किया गया है, और इसके अलावा आज 1563 छात्रों की नीट यूजी का री एग्जाम होगा, क्योंकि 23 तारीख को कोर्ट ने बताया था कि जो भी जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और ग्रेस मार्क्स यानी कि 1563 बच्चे ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनका फिर से री एग्जाम होगा, तो आज उन्हीं बच्चों का री एग्जाम होने वाला है। ये वो छात्र है जिन्हें पिछली परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और इसके अलावा सीबीआई को नीट लीक का मामला जांच के लिए सौंप दिया गया है। और आज की बड़ी खबर यह भी है कि नीट विवाद के बीच इसकी परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है, तो सुबोध कुमार को हटा दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चार बड़े अपडेट्स इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। नीट से जुड़ी हुई परीक्षा रद्द की गई, यूजी नेट के जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनकी आज परीक्षा एग्जाम है, नीट केस की जांच करेगी सीबीआई, और एनटीए के डीजी को हटाया गया। और नीट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है जो कि सूत्रों के हवाले से है। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आरोपियों के पास से 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड पाए गए हैं। आरोपियों के पास से कई आधार और पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों के पास से 16 चेकबुक, 6 पासबुक भी बरामद हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पासबुक में करोड़ों के लेनदेन के सबूत भी मिले हैं। ईओयू अब सभी कार्ड की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, एक के बाद एक नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। तो आरोपियों के पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, अब ईओयू इन सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। और इधर संजीव मुखिया के कारनामे पहली बार बिहार में कुख्यात नहीं हुए हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव दोनों पेपर धांधली के उस्ताद हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रोफेसर, नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है, उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा।
पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है, बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं, इस गड़बड़ झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझेदार है। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है, पढ़े लिखे जहीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और ये पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया, यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देख कर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंटआउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है, इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उसे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था, रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर ईओयू का नोटिस पहुंच चुका है, मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। आप समझ में आ गया ना, पलाई से कहते थे कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पड़े संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। जानते तो हम अपने ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। और
अब बात कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की, जहां पर फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उनके भाई सूरज रेवन्ना को भी हासन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर भी यौन शोषण का केस दर्ज किया गया। जेडीएस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सूरज पर समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप लगाए। पीड़ित युवक का आरोप है कि 16 जून को जेडीएस एवलसी सूरज रेवन्ना ने उसका यौन उत्पीड़न किया। युवक ने शनिवार को सूरज के खिलाफ हासन जिले के होलेनर सी पुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी और पुलिस ने सूरज के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही पुलिस ने पीड़ित युवक का बेंगलुरु में मेडिकल टेस्ट भी करवाया। और अब बात जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में मिली है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उरी ऑपरेशन में अब तक एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। तो सुरक्षा बल की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। उरी में ये सर्च ऑपरेशन अपने जवानों के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बता रहे हैं। और इधर लोकसभा चुनाव में मिली हार की बीएसपी या अध्यक्ष मायावती आज समीक्षा बैठक करेंगी। आज लखनऊ में मायावती ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है, आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं। और इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिले के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि मायावती अपने भाई आनंद कुमार को भी जिम्मेदारी दे सकती है। सुबह 11 बजे से मॉल एवेन्यू स्थित बीएसपी के पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक होगी। और दिल्ली में जल संकट को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। कल आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, पंकज गुप्ता, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक समेत कई विधायक और पार्षद उपराज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। देखिए इसी पर और तभी उठेंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। जल सत्याग्रह में छिड़ा संग्राम, आतिशी के अनशन में हंगामा, लोगों के पानी की लड़ाई चल रही है, यहाँ ड्रामा मत करो, पानी की लड़ाई चल रही है, यहाँ ड्रामा मत करो। दिल्ली में पानी का गदर जारी है, कहीं धरना है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं अनशन है, कहीं छिड़ा है संग्राम। ये दिल्ली है जहां पीने के पानी के लिए कोहराम मचा है। हर दिन के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन में दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ, जब अनशन की जगह पर दिल्ली के रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ नौकरी से निकाले गए बस मार्शल अपनी मांग लेकर पहुंचे थे। आतिशी ने प्रदर्शनकारी बस मार्शलों को बीजेपी के हथकंडे का हिस्सा बताया, तो हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बस मार्शल को बीजेपी के लोग बताकर शांति बनाए रखने की अपील की। कहां से भेजे गए हो पता है, कहां से आपको भेजा गया है पता है, आप शांति से बैठिए, दिल्ली के लोगों के पानी की लड़ाई चल रही है, यहाँ ड्रामा मत करो। भोगल में पानी सत्याग्रह कर रही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मंच के पास नौकरी से निकाले गए बस मार्शल को सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद हटाया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आप कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। रात दिन और कहे मेरी माँ बहनों मेरी इज्जत रखना, हमने इज्जत रखी, बहका लिए हम और अब बहका के लुक रहे, हमें घूंट पानी नहीं, एकदम
पानी शराब लेकर जा रहे हैं, शराब गरीब आदमी भीख मांगना, पैसे लेते हैं, पैसे पैसे लेकर बेच रहे हैं, फ्री पानी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, पैसे दे रहे। आतिशी के अनशन में हंगामे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार को खरी खरी सुना दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में सभी अव्यवस्था के लिए केजरीवाल सरकार को जमकर कोसा है। केजरीवाल का एक नया मॉडल है अनशन का, जिसमें जिस सत्याग्रही है वो घर भी जाएगा, सोएगा भी, खाना पीना भी करेगा और फिर मीडिया के सामने फोटो खिंचाने के बैठ जाएगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं पानी की समस्या से ध्यान भटकाना, पानी की जो चोरी कालाबाजारी और गोरख धंधा आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री करते हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी राजनीतिक नौटंकी की गई है, जिसका मकसद सिर्फ सुर्खियां लेना है, जनता की समस्या से इनका कोई लेना देना है नहीं। पानी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आतिशी के अनशन पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा पर पानी रोकने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हरियाणा अपने आपका पानी, हरियाणा किसी का पानी नहीं रोक रहा, पानी तो जो है SYL खुदनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, SYL खोदना चाहिए, बल्कि हमारा पानी दिलवाओ। तल्ख बयानबाजी के साथ दिल्ली की सड़कों पर पानी के लिए जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़क पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी, इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाए इसके लिए पवित्र गंगा नदी में खड़े होकर शहनाई वादकों ने प्रसन्न करने की कोशिश की। शहनाई की धुन छेड़कर बारिश की कामना की है। गर्मी बेहाल है लोग, इसलिए मैं भगवान बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके चलता हूँ मंदिर से। माँ गंगा का चरण छू के मैं प्रणाम करता हूं, उनको माला फूल अगरबत्ती जला करके भगवान इंद्र को मैं समर्पित करता हूं, और भगवान इंद्र से विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी मैंने प्रार्थना किया कि हे नाथ बारिश कम से कम हो जाए, जो काशी की जनता नहीं पूरे देश की जनता को राहत मिले, किसान। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू का असर कम हुआ है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी अभी बनी रह सकती है। कहा जा रहा है कि 24 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50% जगहों पर बारिश होगी। 26 जून से मॉनसून के आने की संभावना है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। 26 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा की गई और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उनतीस जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु कर सकेंगे अमरनाथ बाबा के दर्शन। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भगवती नगर स्थित यात्री निवास का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, और ये हमारी हमारी पूरी पूरी कोशिश। आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की, और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है
ये सेटिस्फेक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने LG कार्यालय से ही वर्चुअली पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, सहयोग करते रहे। GMC के मुख्य परिवहन अधिकारी धर्मवीर सिंह ने भी आश्वासन दिया है कि यात्रियों के लिए GMC आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई का तो खास ख्याल रखा जा रहा है। मैन एंड मशीनरी पूरी, जिसमें हमारी JCBs, रिफ्यूज कम्पैक्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर स्प्रिंकल्स, जितनी भी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी यहाँ जरूरत है, यहाँ नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। हमें जिस भी किस्म का एक तालमेल से चल रहा है सर, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम चल रही हैं, तो GMC उनको हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन से लेके, बस स्टैंड से लेके, जहाँ जहाँ से भी यात्रियों ने आना है, हम हर तरफ से, हमारे RC बिन्स लग रहे हैं, पूरी सपोर्ट जो है दी जा रही है सिस्टम हमारे GMC की तरफ से। गौरतलब है कि इस बार अमरनाथ यात्रा आगामी 29 जून से शुरू होकर 29 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन पर्व तक चलेगी। इस 18वीं अमरनाथ यात्रा में बालतर पहलगाम मार्ग से भक्त यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और अब खबर बॉलीवुड से है, जहां पर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। पहले दोनों की मंगनी होगी, फिर रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और इसके बाद शाम को मुंबई के दादर में शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बैस्टियन में रिसेप्शन पार्टी होगी। बताते चले कि रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान भी शिरकत करेंगे और इसके साथ ही सीरीज हीरा मंडी की पूरी स्टार कास्ट भी रिसेप्शन पार्टी में शिरकत कर सकती है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी से पहले शनिवार शाम को उनके घर रामायण में एक पूजा रखी गई। सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा की मौजूदगी में यह पूजा रखी गई। और बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही, और आगे मेरे साथ देखिए 100 गांव 100 खबरों।